हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओम शर्मा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक मशीन गन दिखाने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैंने एक छोटी सी मशीन गन है ये एक, जो कि इसके लिए आपको एक सेट ख़रीदना पड़ेगा जिसमें ये एक आती है। तो ये रही इसकी अमो, आप देख सकते हैं ये 1x1 पीसेज है। आपको इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको ऐसे 6 पीसेस चाहिए। तो कि आप देख लीजिए इसको, इसको आगे से यहाँ पर लगाते हैं, ये यहाँ पर ये ऐसे ऐसे मूव करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शूट करने के लिए यहाँ पर एक ऐसी एक चीज़ है जिससे ये शूट हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा और इसको दिखाऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं। तो आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मशीन गन लीजिए और ये 1x1 पीस लीजिए और इसको एक जगह पर लगाइए ऐसे कर कर फिट। तो ये फिर ऐसे दिखेगी। तो अभी आपको इसको ऐसे 6 जगह पर लगाना है। ये जब लग जाएंगे तो ये ऐसी मशीन गन दिखेगी। ये वैसे अभी रेडी हो चुकी है तो ये ऐसी दिखती है। आप इसको यहाँ पर ऐसे फिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लेगो की बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेगो लिखा हुआ पर क्लियर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर शूट करने के लिए आप एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक ऐसी ये ऐसे लगा हुआ है जिससे ये शूट हो पाती है। तो अभी मैं आपको इसको शूट कर कर दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले इसको ऐसे रोल करना है, फिर ये अपने आप ही शूट करेगी। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैसे बड़ी दूर तक जाती है, आप देख लीजिए। तो ये वैसे अभी सारे पीसेस शूट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको आपको बनाकर दिखाता हूँ। आप ये पहले एक बार दोबारा देख लीजिए। ये वैसे आपको नॉर्मल पीसेस में नहीं मिलेगी, आपको सेट चाहिए होगा। तो ये रही अमो और ये रही गन। तो अब हम इसको बनाकर दिखाते हैं। तो इस मशीन गन को बनाने के लिए आपको ये सब पीसेस चाहिए। तो मैं आपको पहले ये वाली दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए इसको। इसके अंदर ऐसी शेप है और पीछे से ऐसे दिखता है ये। फिर आपको एक ऐसा पीस चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे रोल हो रखे हैं यहाँ पर ऐसे। और ये वाला आप देख लीजिए, ये वाले वैसे पीसेस थोड़े टाइट है तो इसलिए आपको ऐसे वाले चाहिए। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये वाला पीस चाहिए जो कि आप एक राउंड वाला देख सकते हैं। फिर ये वाला जो आप देख सकते हैं, आप ये वाला इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करना है। पर उससे पहले आपको ये दोनों लगाने हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इसको ऐसे जॉइन कर देना है। तो फिर ये ऐसा बन जाएगा, देख लीजिए आप। तो फिर उसके बाद आपको ये चाहिए होगा जिसके लिए आप इसको कनेक्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए इसका साइज़, यहाँ पर ऐसे टॉप है। तो आपको इसको ऐसे अंदर घुसाना है। तो जब ये अंदर घुस जाएगा तो आपको इस वाले को लेकर इधर ऐसे कनेक्ट करना है इसके सेंटर पर। जब ये हो जाएगा तो ये फिर ऐसे दिखेगी। क्योंकि मैं इसको ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर टॉप पर आए, ये वैसे गलत हो गया है। हाँ, तो ये जब टॉप पर आ जाए तो ये ऐसी गन दिखेगी। तो फिर आप ये वाला पीस लीजिए और फिर इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कीजिए। तो ये जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये ऐसी गन दिखेगी। तो हमारी मशीन गन बन गई। तो एक लास्ट बार मैं इस मशीन गन को चलाते हुए दिखा देता हूँ। ये ऐसे मैंने यहाँ पर पीछे वो लगा रखा है। तो ये रही हमारी मशीन गन। तो मैं इसको अब चलाने जा रहा हूँ। तो कि आप देख सकते हैं ये रिलोडेड है। तो मैं आपको इसको चलाकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे। तो अभी मैंने 3 चला चुके हैं। ये वैसे बहुत तेज मशीन गन है, कुछ कुछ पीसेस बाहर भी जा रहे हैं। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और कमेंट मत करना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।